हेलो दोस्तों, मैं सपना अगरबत्ती की तरफ से बोल रहा हूँ। सबके लिए शुभकामनाएं। कैसे आप लोग? शायद अच्छे होंगे। लॉकडाउन चल रहा है, प्लीज़ आप लोग एक्सेप्ट कीजिए। सब घर में मिल के रहिए और परिवार को सेफ रखिए। आज मैं वीडियो में आ गया। मेरा क्योंकि बिजनेस है अगरबत्ती का, तो मैं अगरबत्ती बिजनेस के ऊपर ही थोड़ी सी बात करने वाला हूँ। ज़रा गौर से सुनिएगा प्लीज़, मेरे वीडियो को छोड़ के मत जाइए, शायद कुछ लोगों को इसमें काम आ सके। अगरबत्ती बिजनेस के लिए मेरे पास बहुत सारे स्टेट से भी फोन आए, भैया ये बिजनेस हम करना चाहते हैं, इसमें क्या क्या प्रॉफिट है, क्या पार्ट है, जरा हमको समझाइए। लेकिन मैंने उन लोगों को बता चुकी है, और मैं पहली एक बात बोल रहा हूँ कि मेरे मुंह से करेला की रस निकलती है, शायद निकलते नहीं, तो प्लीज़ आप लोग बुरा मत मानिए, हो सके तो क्षमा कर दीजिए। आप लोग मेरी बात को गौर से सुनिए। मैं मेन टॉपिक पे आ रहा हूँ। अगरबत्ती बिजनेस कोई फालतू बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस का एक रीज़न है। जैसे हम मोबाइल से बात कर रहे हैं, मोबाइल बिजनेस भी ग्रेट है, ये कभी हटने वाला नहीं है। जब तक दुनिया रहेगा, जब तक टावर खड़ा रहेगी, तब तक ये कम्युनिकेशन चालू रहेगा। जैसे कि हेल्थ बंद नहीं होने वाला है, जब तक दुनिया रहेगी तब तक हेल्थ चालू रहे। नेक्स्ट देखिए एडुकेशन, जब तक दुनिया रहेगी तब तक एडुकेशन चलती रहेगी। अब हम आते हैं अगरबत्ती बिजनेस के ऊपर, ये भी जब तक दुनिया रहेगी तब तक ये चलते रहे। क्यों? क्योंकि ये हर मजहब के लोगों के लिए ये ज़रूरी है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे बौद्ध हो, जो भी हो, हर मज़हब के लोगों की ये ज़रूरी होता है। और जब तक दुनिया रहेगा तब तक ये ज़रूरी है ही, चलते आ रहा है, तो इसमें लॉस की क्या गुंजाइश है? कोई लॉस नहीं, इसमें प्रॉफिट है ईमानदारी से किया जाए तो। आज आप लोग वीडियो देखते हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, दूसरी और किसी का वीडियो देख रहे हैं, और किसी का, दुनिया भर के लोगों की डायलॉग है इसमें। जैसे मैं डायलॉग दे रहा हूँ आप लोगों के सामने, तो लोग कंफ्यूज हो जाता है, मैं किसके साथ काम करूँ? ये इस तरह बता रहे, उस तरह बता रहे, कोई डायलॉग बता रहे, कोई 3 लाख बता रहे, कोई महीने में 1 लाख बता रहे, भाई मैं किसको सुनूं? एक्चुअली सच क्या है ये क्लियर होना बहुत मुश्किल है। मेरी तरफ से करेला की रॉस डाल के जितना हो सके मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। मेरे ख्याल से ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है, अगर इसको सही ईमानदारी से किया जाए तो। और मेहनत के बिना आज तक कुछ दुनिया में हुआ नहीं, ना होने वाला, मेहनत करने पड़ेगा। तो हम अगर सही तरीका से इसमें मेहनत करें तो बिजनेस क्यों नहीं आगे बढ़ेगा? अब खुद बोलिए, ये बिजनेस में प्रॉफिट है। आज देखिए हमारे बंगाल में ऑलरेडी अगरबत्ती जो रॉ स्टिक है उसका डिमांड आ गया, क्योंकि बाहर से जो बेंगलोर से इधर उधर से जो अगरबत्ती आते थे वो अभी बंद है लॉकडाउन के वजह से, तो ऑलरेडी ये डिमांड आ रहा है। डिमांड मतलब मेरे पास बहुत सारे रॉ स्टिक पड़ा हुआ था 20 टन के ऊपर, वो सारी सामान खरी हो गया। तो मेरे ख्याल से आया, मैं अपनी बात क्लियर कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से आया इसका डिमांड ऑलरेडी आ चुकी है, क्योंकि बहुत सारे लोग डेली आ रहे हैं, भैया माल है, ये सामान है, ये करने रॉ स्टिक लेके जो लोग सेंड करके बनाते हैं वो लोग दिमाग खराब कर रहे हैं, डेली सामान मांग रहे हैं। मैं मेरा बंगाली वीडियो में बोला हूँ बहुत सारे लोगों को, जिसके पास रॉ स्टिक है वो मुझसे बात करे और मेरे पास लेके आए, क्योंकि अभी लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोग नहीं आ पा रहे हैं, रात को आ रहे हैं, जैसे भी होके वो लोग लेके आ रहे हैं। तो इसका डिमांड है मार्केट में, इसका डिमांड है, इसमें प्रॉफिट भी है। तो मैं इसीलिए मैं आप लोगों के सामने एक बात करने वाला हूँ। बहुत सारे लोग मेरे पास कॉल किए थे, खास करके बंगाल स्टेट के बाहर से, बंगाल के बाहर से। मैं उन सब भाई लोगों को जो नया बिजनेस में ऐड होना चाहते हैं, सीखने के लिए, जानकारी लेने के लिए, ट्रेनिंग के लिए आना चाहते हैं, मैं उन सब भाइयों को वेलकम कर रहा हूँ। मैं 1-2 दिन के लिए मेरे कारखाने में एक ट्रेनिंग पार्ट रहा हूँ। ट्रेनिंग मतलब इस टाइप से ट्रेनिंग होगी
इस बिजनेस के ऊपर प्रॉफिट लॉस दोनों बातचीत होगी। रॉ स्टिक किस तरह बनते हैं, प्रीमिक्स क्या क्या डालना पड़ता है, ये पूरी जानकारी आपको दिया जाएगी। आप खुद बनाइएगा और आप वो प्रीमिक्स मिक्स बना के उसको मशीन में डालिए। मैं आपको बिठाऊंगी मशीन में, आप खुद मशीन चलाइए, सामान निकालिए, रॉ स्टिक बना के आप निकालते रहिए, उसको भी ट्रेनिंग दिया जाएगा। रॉ स्टिक बनाने के बाद उसको सुखाने के लिए धूप में कितना टाइम रहना पड़ता है, मैंने सामान को रखना पड़ता है, आप खुद को कितने टाइम धूप में खड़ा होना पड़ता है, ये हर चीज़ A to Z पार्ट टू पार्ट आपको पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट किया जाएगा। उसके बाद आप आराम से घर जाइए, दिमाग को शांत करके आप अपना परिवार लोगों से, माँ बाप जो है घर में बुजुर्ग लोग, उन सब से बातचीत करके आपको अगर सही दिल से सही मन से सही लगे, हाँ भाई ठीक है ये बिजनेस हम हमारे लिए सही है, हम कर पाएंगे, तो प्लीज आप तब आगे बढ़िए। किसी को डायलॉग सुन के मत बढ़िए, प्लीज पूरी जानकारी लीजिए बिजनेस के बारे में, हर चीज पार्ट टू पार्ट जानकारी लेने के बाद, क्योंकि बिजनेस को आपको पहले समझना होगा। आप बिजनेस समझते नहीं, कुछ कुछ लोग यही होता है, बोल दिया 2.5 लाख 3 लाख हो जाएगा, बस फटक से वो लोग क्या करते, मशीन उठा लेते, स्टार्ट कर देते, लास्ट में क्या हाल होता है बहुत सारे लोगों को पता है। तो मैं इसीलिए सबसे ये निवेदन रखूं कि प्लीज़ आप लोग आइए, पूरी जानकारी लीजिए, उसके बाद आप अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए, आपको सही लगे तो, नहीं तो मत कीजिए। जब मन से नहीं चाह रहा है वो बिजनेस आपके लिए सही नहीं है, नहीं करना चाहिए आपको चीज़। सोचिएगा, शायद ख़राब लग रहे होंगे या अच्छे लग रहे हैं, मुझे नहीं पता, वो मैं आप लोग जो लाइक डालेंगे मैं उसके समझ उसमें समझ जाएंगे कि मेरे वीडियो किसी को सही लगी है किसी को गलत है। खैर मैं मेन पॉइंट पे आता हूँ, मैं 2 दिन के लिए एक ट्रेनिंग पार्ट रख रहा हूँ, कैंप बना रहा हूँ, इसलिए मैं आप सबसे निवेदन है, मैं एक व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, आप उसी व्हाट्सएप में आप अपना नाम, फुल एड्रेस और आपका कॉलिंग एंड व्हाट्सएप नंबर सेम होना चाहिए, वो मोबाइल नंबर डालिए और आप अपना एक फोटोकॉपी उसमें डालिए, डाल के आप व्हाट्सएप कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6296197143। आपको नंबर मिल जाएगी, फिर भी मैं दूसरी बार रिपीट कर रहा हूँ, 6296197143। आप इसी व्हाट्सएप में आप अपना पूरी डाटा मुझे सेंड कीजिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप अपना नाम डालिए, पूरा एड्रेस डालिए, व्हाट्सएप नंबर एंड कॉलिंग नंबर सेम होना चाहिए, वो नंबर डालिए और आप आपका एक फ़ोटोकॉपी उसमें डालिए, मुझे सेंड कीजिए जितना जल्दी हो सके। क्योंकि मैं क्यों एडवांस ले रहा हूँ, इसका भी एक रीज़न है, आप लोग बाहर से आएंगे तो आप लोग तो दिन में रिटर्न नहीं जा पाएंगे। अगर दिन में आप लोग रिटर्न हो पाते तो इतना जानकारी ज़रूरत नहीं थे, जब आप लोग आ जाते एक डेट हम बता देते इस डेट में आ जाइए बस। तो आपके लिए एक प्लानिंग लेना होगा, आपको रहने के लिए एक जगह चाहिए, वो मैं बंदोबस्त करने वाला हूँ, आपका कोई खर्चा नहीं है, कोई टेंशन नहीं, आने जाने का खर्चा आपका है, मेरे पास पहुँचने से आपका कोई खर्चा नहीं, मेरे घर तक आप पहुंच गए आपका कोई खर्चा नहीं, मेरे घर से आप निकल गए तो आपका जो खर्चा होगा रोड में वो आपका है, यानी आने जाने का, बुरा मत बनिए, आपको आने जाने का खर्चा आपका है, मेरे पास आने के लिए खाने का रहने का कोई खर्चा नहीं है, मैं आप लोगों को रहने के लिए बंदोबस्त कर देंगे, आप लोग एक दिन रहना होगा तो रह जाइए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बाहर से आप लोग आते हैं, तो इसीलिए मुझे प्लानिंग करना पड़ेगा, आपको रहने का खाने का पूरी बंदोबस्त किया जाएगा। इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है, जो लोग सच्चे दिल से मन से काम करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, वही लोग मुझसे संपर्क करें और आप अपना डिटेल जितना जल्दी हो सके मेरे पास सेंड कीजिए उसी व्हाट्सएप नंबर पे। और मैं लास्ट एक बात कहने वाला हूँ, सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ लॉकडाउन चल रहे, आप लोग घर में रहिए, आप अपना परिवार को सेफ रखिए,
आपकी और हमारी ऊपर ये जिम्मा आती है कि हम अपना परिवार को खुश रख के और कुशल रखें। तो प्लीज़ आप ये कंप्लीट कीजिएगा। और जो रमज़ान चल रहे हैं, जो लोग हमारे मोहम्मदन भाई लोग हैं, मैं उन सभी से निवेदन कर रहा हूँ कि आप अपना रोज़ा नमाज अदा घर पे कीजिए इफ्तारी, क्योंकि आज मेरे अंदर बहुत खुशी है कि मैं बहुत दिनों के बाद मैं अपने परिवार के साथ इफ्तारी कर रहा हूँ, नमाज अदा कर रहा हूँ सब मिलके मिलजुल के घर में। तो प्लीज़ आप लोग इस तरह करते रहिए। और आप लोग अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए, ज़्यादातर लाइक डालिए, तब मेरे अंदर ये आएगी हाँ आप लोग मेरे वीडियो को एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्योंकि मजबूरी के कारण कमेंट बॉक्स बंद रखना पड़ रहे हैं, वो आप लोगों से मैं वीडियो में शेयर नहीं करने वाला हूँ, सामना सामने बात करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग जितना जल्दी हो सके उसको सेंड कीजिए, मेरे पास जानकारी भेजिए। नमस्ते।